अगर हम शुगर कंज्यूम कर रहे हैं और हम ठीक ठाक शुगर कंज्यूम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू कि 2 to 3 teaspoon, लेकिन अगर हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स हाई हैं या फिर अगर हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जैसे कि कॉर्टिसोल बोलते हैं कि शुगर की वजह से होता है, शुगर अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो आपका फेस पफी पफी हो जाता है, तो हमें और क्या ऐसे सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं अपनी बॉडी में कि हमें पता लग जाए कि मे बी हमें डायबिटीज़ है या फिर शुगर ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, हमको कंट्रोल कर लेना चाहिए? हाउ मच शुगर इज सो मच शुगर in a day? So see, it varies from individual to individual. As I said, क्योंकि हर एक की बॉडी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं. So normally on an average for a healthy average human being, I would say in India, it would be 2 to 3 teaspoons per day per person. And that includes किसी भी form में, चाहे वो आप चाय में डाल रहे हैं, चाहे वो आप दूध में डाल रहे हैं, चाहे वो आप मिठाई के form में खा रहे हैं. It should not include more than that. Okay. So depending on the normal non-diabetic person, 2 to 3 teaspoons is good enough. And 1 teaspoon we take it as 5 grams. So not tablespoon. I'm talking okay. about teaspoon here because okay. tablespoon is 15 grams. So normally जो हम लोग घरों में सब्जी अगर में खाते हैं वो tablespoons हैं, तो लोग उससे भी बड़ा confused करते हैं. So I would say 10 to 15 grams of sweet or sugar is good enough for a non-diabetic healthy person. But then, as I said, with the diet control, we have to make sure more of the physical activity for 45 minutes to 1 hour on regular basis. ओके okay. और मैम जैसे अगर हम शुगर कंज्यूम कर रहे हैं और हम ठीक ठाक शुगर कंज्यूम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू कि 2 to 3 teaspoon, लेकिन अगर हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स हाई हैं या फिर अगर हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जैसे कि कॉर्टिसोल बोलते हैं कि शुगर की वजह से होता है, शुगर अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो आपका फेस पफी पफी हो जाता है, तो हमें और क्या ऐसे सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं अपनी बॉडी में कि हमें पता लग जाए कि मे बी हमें डायबिटीज़ या फिर शुगर ज्यादा हो रहा है बॉडी में, हमको कंट्रोल कर लेना चाहिए? देखिए, डायबिटीज के सबसे कॉमन जो सिम्टम्स हमने देखे हैं वो ये है कि आपको प्यास बहुत लगती है, है ना? तो प्यास लगती है और जितना हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो फिर नाइट में यूरिनेशन स्पेसिफिकली बहुत बढ़ जाती है. तो आपका नाइट में यूरिनेशन जाना अगर आप फ्रीक्वेंट है और आपके यूरिन में अगर फ्रूटी स्मेल आ रही है और आप उसको कोरिलेट कर पा रहे हैं कि आपकी क्रेविंग शुगर की तरफ बढ़ गई है, तो आई थिंक दैट्स अ सिम्टम दैट वी नीड टू लुक एट इट. सो पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स that we normally see for a diabetic patient. हमारी बॉडी पर भी कुछ ऐसा हो सकता है like pimples, acne, sugar की वजह से हो सकता है? See, बिल्कुल हो सकते हैं, बिकॉज अगर आप एक्सेस ऑफ शुगर्स ले रहे हैं तो वो बॉडी में डिपॉजिट एज अ फॉर्म ऑफ फैट हो रहा है. सो और अगर बॉडी में फैट ज़्यादा होगा, ऑयल इन स्टोर ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से भी आपके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एंड एज आई सेड कि जैसे आपने बोला कॉर्टिसोल का है, तो अगर हार्मोनल चेंजेस हैं तो उसमें भी आपकी एक्ने प्रॉब्लम्स हम लोग बहुत कॉमन देखते हैं एट दी स्पेसिफिक प्यूबर्टी के टाइम पे, और यू नो जब 40 प्लस की एजेस होती हैं दैट टाइम. सो अगेन, आप शुगर्स को रिड्यूस करो, वेजिटेबल्स का इनटेक बढ़ाइए, हाइड्रेशन अच्छा रखिए, तो आपकी ऑटोमेटिकली ये एक्ने की प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ. ओके, और मैम जैसे हम हेल्थ रिस्क की ऑलरेडी बात कर रहे हैं, तो जानना चाहूँगी कि क्या क्या हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड है विद आर्टिफिशियल स्वीटनेस एंड विद नेचुरल स्वीटनेस? सी, आर्टिफिशियल स्वीटनेस आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट इट विल लीड टू वेट गेन एंड कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, एंड प्लस दोनों ही में एक्सेस में आपका डिसबायोसिस भी हमने बात की है ऑलरेडी. देखिए, नेचुरल शुगर्स का एक कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट जो हमने देखा, अगर हम एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, सो मेजरली ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस आपके वेट गेन तो करता ही है, और वेट गेन जब होता है तो वो कई सारी प्रॉब्लम्स के लिए न्योता लेके आता है. डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स और हार्ट प्रॉब्लम्स होना बहुत कॉमन हम देख रहे हैं. और जहाँ ये चीज़ें डायबिटीज़ वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, उसके साथ साथ अगर शुगर्स अनकंट्रोल्ड हैं तो बहुत कॉमनली हम किडनीज पे उसका साइड इफ़ेक्ट, नर्व्स पे साइड इफ़ेक्ट, आपकी देखने की क्षमता यानी नर्व्स, आईज में जो नर्व्स हैं आपकी, रेटिनोपैथी जिसे हम कहते हैं,
वो भी बहुत कॉमन देखी गई हैं, और इसीलिए हम लोग एम्फेसाइज करते हैं कि शुगर को जितनी स्टार्टिंग में कंट्रोल कर लिया जाए उतना अच्छा है। बट विदुषी, एक चीज़ हम इस चीज़ में ध्यान रखें कि डाइट तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेस, फिजिकली इनएक्टिव होना, और साथ ही साथ में जेनेटिक फैक्टर जिसको आप और मैं मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये भी क्रूशियल है और इम्पॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल की हिस्ट्री के लिए। तो अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, अगर किस और वो फिजिकली इनएक्टिव है, स्ट्रेस को ले रहे हैं और डाइट भी हेल्दी नहीं है, तो उसके लिए रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ का हो जाना एट अर्ली एजेस इज़ वेरी हाई। बट यही चीज़ें हम हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ उसको हम डिले कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जेनेटिक फैक्टर्स आप और मैं चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज कर सकते हैं लाइफस्टाइल। ट्रू। फेस्टिवल्स हो गए, हमने बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है शुगर, और बहुत सारा हमने बाहर का भी खा लिया है, घर पे भी खा लिया है, गिफ्ट्स देने जाते हैं तो जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को डिटॉक्स करें, या फिर हमारे पास कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे हम अपने शुगर लेवल्स को फिर से कंट्रोल करके लेकर आ सकते हैं? देखो, अगर हमारा ये हमने खा ही लिया है, ठीक है, तो अब उस और एक चीज़ विदुषी जो मैं उसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जब हम फेस्टिव सीजन में होते हैं तो नॉर्मली एक मैंने ट्रेंड ये भी देखा है लोगों में कि वो लोग बहुत गैप्स दे देते हैं दो मील्स के बीच में, कि अच्छा आज मुझे जाना है तो मैं वहीं खा लूँगा, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग गोज़ ऑन। सो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स को मेंटेन रखें। इन बिटवीन हेल्दी स्नैकिंग, जैसे मैंने आपको बताया, नट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, भुना हुआ चना हो गया, प्रोटीन रिच स्नैक्स जिनमें फाइबर और प्रोटीन दोनों हैं, वी कैन कैरी, एंड दीज आर द थिंग्स विच वन कैन ईजिली कैरी ऑल्सो इन देयर कार्स, राइट। सो ये हमें ध्यान रखना है कि हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, अब जब हमने कंज्यूम कर ही लिया है तो उसको डिटॉक्सीफाई हम कई तरीकों से कर सकते हैं। आई वुड से कि कोशिश ये करें, एक तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ा दें कुछ टाइम के लिए, ताकि आपकी जो एक्सेस कैलोरीज हैं वो बर्न हो जाएं, और आप स्ट्रिक्टली अपने डाइटरी रेजीम को फॉलो करें, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स के साथ अपनी वेजिटेबल्स का इनटेक बढ़ा दें, और जितनी भी डब्बा बंद और प्रोसेस्ड चीज़ें हैं वो अवॉइड करें कम्प्लीटली, और प्रोटीन पे ख़ास तौर पे ध्यान रखें, बिकॉज प्रोटीन का इफ़ेक्ट शुगर कंट्रोल में बहुत देखा गया है। सिंस 2001 की जो गाइडलाइंस आई, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली फाइबर के साथ साथ ये बोला कि पहले आप फाइबर रिच फूड्स खाएं, उसके बाद प्रोटीन वाली चीज़ों का सेवन करें, ताकि आपका पेट ऑलरेडी फुलफिल हो जाए, ताकि आपके जो कार्ब्स का इंटेक है और जो फैट्स का इंटेक है वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज्ड हो जाए। मैम, प्रोटीन की कमी पूरा करने के लिए लोग प्रोटीन बार भी खाते हैं जो कि मीठा होता है, सो इट्स हेल्दी और नॉट? सी, आई वुड से जो एक एवरेज इंडियन रिक्वायरमेंट होती है 76 समवेयर अराउंड 50-70 फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, एनीथिंग बिटवीन दैट। एक नॉर्मल, अगर आप वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन, नॉट इवन एग्स, राइट, यू कैन सिंपली मेक अप टू 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन अ हेल्दी डाइट। द ओनली थिंग इज वी ऑल नीड टू बी लिटिल कॉशियस ऑफ व्हाट वी आर ईटिंग एंड हाउ मच वी आर ईटिंग। ट्रू, राइट। सो व्हेन आई गेव यू सच एग्जांपल्स, व्हेन वी इंक्लूड दीज टाइप ऑफ स्नैक्स इन बिटवीन, वी आर ईजिली एबल टू मेकअप, एंड देर इज नो नीड फॉर प्रोटीन बार। सी, नेचुरल डाइट से बेटर कोई डाइट नहीं हो सकती। ट्रू, राइट। यू कांट बी लिविंग ऑन द प्रोटीन बार्स और प्रोटीन सप्लीमेंट्स फॉर लाइफ लॉन्ग। सो फर्स्ट एम्फेसिस इज ऑलरेडी गिवन फॉर द नेचुरल फूड्स, एंड वंस यू आर नॉट एबल टू हैव देम टूगेदर देन इज एन ऑप्शन, बट दैट अगेन यू नीड टू टेक इन अलॉन्ग विद द कंसिडरेशन एंड कंसल्टेशन विद योर मेडिकल टीम, बिकॉज एक्सेस ऑफ प्रोटीन के भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स देखे गए हैं। एंड आजकल मैं ये यंग जनरेशन में, बिकॉज जिम में जा रहे हैं, हम इतने अंडे खाएंगे, हम इतने बनाना खाएंगे, हम इतना प्रोटीन शेक लेंगे, तो उससे किडनीज पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखा गया है। बिल्कुल, और उसी वजह से फिर बहुत सारी ऐसी खबर भी आती है कि जिम में ये हो गया, वो हो गया। बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कि फेस्टिवल सीजन और स्वीटनर्स को लेकर जो मेन मेन हमारे सवाल थे वो हो गए हैं कवर। रैपिड फायर राउंड आप जानते ही हैं, सो जानना चाहूँगी कि आप अपनी शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल में करते हो फेस्टिवल सीजन में या नहीं करते हो? सी, आई वुड से कुछ हद तक करते हैं, एंड एज आई सेड कि अगर डायबिटीज़ नहीं है तो थोड़ा बहुत खाइए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो कर दें।
ठीक है, बट अगेन यू हैव टू कीप अ लिमिट. और अगर आपको पता है कि आपने खा लिया, यू हैव टू बर्न बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी. ट्रू. सो यस, वी डू कंट्रोल. और आपने, आपका कोई अपना स्पेसिफिक स्वीटनर है जो आप लेती हैं? नो, आई प्रेफर टू गो ऑन नेचुरल वन एंड लाइक सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ हनी एंड मोर कॉमन इज हनी दैट वी नॉर्मली यूज. So I take that, but we make sure that the quantities. Or agar mera kisi din lunch mein overeat ho gaya, to you know dinner mein just having a fruit platter or a salad platter along with some fruits and protein sources is taken care of. Taki carbs jo aapne night mein chapati ya naan se chode, wo aapke balance ho jaye with the overeaten of what you have done in the lunch. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. जाते जाते चाहूँगी कि आप हमारी जो ऑडियंस उनको कुछ एडवाइस दीजिए. फेस्टिवल्स भी हैं, खाना पीना बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत ज़्यादा ऑयली भी होने वाला है, मीठा भी होने वाला है. सो प्लीज़, सो वन, हमेशा स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स पे एम्फेसाइज करें, 2 to 3 hourly. दूसरा, अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करें. फाइबर यानी जितना हो सके वेजिटेबल्स, सैलेड और फ्रूट्स के साथ साथ अपने प्रोटीन इनटेक पे ध्यान रखें. जो भी आप मिलेट्स या आप होल कार्बोहाइड्रेट सीरियल्स अगर का कर रहे हैं कंजम्पशन, उसमें जितना हो सके होल ग्रेन्स का एम्फेसाइज और होल दाल्स का एम्फेसाइज करें. नेचुरल शुगर से रिप्लेस करें अपने एक्सेसिव स्वीट और प्रोसेस्ड फूड को, कैंड फूड से बचें. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को मेंटेन रखें. और येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्ट्रेस. ओके, अभी फेस्टिवल्स में नहीं है, बट हम यही पोस्ट जैसे ही फेस्टिवल निकलते हैं हम लोग वापस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं. सो अगर हमने पहले ही कंट्रोल कर लिया खाने में, तो हमारे पास पोस्ट फेस्टिवल स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा. सो आई थिंक बैलेंसिंग इज द की दैट वी ऑल नीड टू मेंटेन. और हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम किसी को ये चीज़ें सर्व करेंगे हेल्दी, देन वी एक्सपेक्ट अदर्स ऑल्सो टू सर्व दैट हेल्दी टू ourselves also. सो मेंटेनिंग दैट बैलेंस इज important. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. इस बार हेल्दी दिवाली मनाने का सब ट्राई करें तो अच्छा रहेगा. आई थिंक इट्स important बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग विदुषी, वी आर लुकिंग इन द सेटअप एट वेरी यंग एजेस, डायबिटीज, यू नो, ब्लड प्रेशर्स एट वेरी यंग एजेस. And that's why अगर आप guidelines देखोगे given by WHO in 2018, वो day by day stricter होती गई है. So जो पहले salt हम 1.5 teaspoon यानी 8 grams recommended होती थी, वो 2018 से we have reduced it to 5 grams. You know, और Indian scenario में we are consuming much more than that. So I think the most important thing is once we start, then only our kids would learn in the family. True. And वो एक एक घर से चेंज होके ही सोसाइटी में चेंज आएगा. दैट्स व्हाट वी नीड टू एम एट. ट्रू, खुद से चेंज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच मैम, वंस अगेन इट वाज अ ग्रेट इंटरव्यू. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू.